कौन कहता है चॉकलेट खा के एनर्जी आती है, दो मंच खत्म कर दिए, थके पे थका जा रहा हूँ। तन्नू उसको बुला रहा हूँ। ओ भाई सुनो यार, केदारनाथ का पहाड़ उतरने वाला टेक था, उतरने वाला, उसमें नियर अबाउट हमें 45 मिनट्स लगे यार। सो गुड मॉर्निंग फैमिली, कैसे आप सब, आई होप सब अच्छे होने वाले। नई शुरुआत और आपके साथ हो, हम पूरी रात सोए नहीं तो अभी सुबह के बज रहे हैं। वो घड़ी कहाँ गई मेरी सच, तो सुबह के अभी बज रहे हैं 6:30 और हम रेडी होना शुरू हुए थे 5 बजे। फाइनली अब हम निकल रहे हैं तुंगनाथ के लिए, तो चलो चलते हैं। बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, पहले जाने का प्लान था गाड़ी में, हम गाड़ी में जाते हैं तो हमें एक और गाड़ी करनी पड़ती है, तो कुछ लोग फिर इस गाड़ी में होते, कुछ लोग उस गाड़ी में होते, तो हमने इससे अच्छा एक ट्रैवलर बुक कर लिया, तो उसमें जा रहे हैं और मज़े भी आते हैं उसमें। और जिस काम के लिए जा रहे हैं मैं बताता हूँ थोड़ी देर में किस काम के लिए जा रहे हैं हम, उस काम के लिए ट्रैवलर की भी ज़रूरत थी। तो फिर हाँ भैया चलते, अब मैं ट्रैवलर में जाते हुए सो जाऊँगा यार। मैडम हो गए रेडी आप? मैंने कोई न्यू डैड व्लॉग्स, वाओ अनु आ रही है, कितनी नींद आ रही है। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, आई होप सो आप की सब बढ़िया सब बढ़िया बढ़िया आगे। रात भर से सोए नहीं है, रात को 3 बजे हरिद्वार से आए, उसके सामान कुछ भी पैक नहीं था, कुछ भी दिन भर सामान इधर उधर समेटने में लगे थे। और खाना हमने 4-5 बजे खाया, वो भी बस स्टैंड से जाके। भैया अभी अपनी ट्रैवलर आई, एकदम नमी आई है, नमी पूरी झकास, कोई नहीं सोया। मैंने बोला अंकल पीछे 2 सीट में खाली रहेंगे तो उसमें सामान रख दो, कहती क्यों रख दो उसमें, तन्नू सोएगी, भैंस के टक हम इंसान नहीं है। पहले आज मैं सोऊंगा यार, क्यों मैं 48 घंटे से नहीं सोया, मैं तो जयपुर से आते हुए मैं सोया था यार, बस मैं पीछे बैठा था ऐसे बम पड़ रहे थे ना, क्या बताऊं। ऋतिक रोशन की बाइक यहां पे क्या कर रही है? बाबूजी हमारे भी सो रहे हैं और हम सब बैठ चुके हैं अपने अपने सीट पर। मैंने तो सोचा कि पीछे जाके मैं सो जाऊंगा, लेकिन मैं सो नहीं पाया बिकॉज वहाँ पे बहुत सारे कपड़े हैं। फैमिली में फॉर द फर्स्ट टाइम आगे बैठूं ट्रैवलर के, और मैं पहली बार देर हो गई, इसकी सीट बेल्ट है, वाओ नाइस यार, सेफ्टी के साथ। जय श्री कृष्ण। और बाबूजी हमारे साथ नहीं जा रहे बिकॉज हम जिस जगह में जा रहे हैं ना वहाँ पे एकदम पहाड़ है, आंटी तो संभाल नहीं पाएंगे और हमारा शूट है, हम नहीं जाते कि बाबू को हम एक जगह छोड़ कर कहीं पे जाएं, तो इससे अच्छा हम यहीं पे ही हमारे भैया को देकर जा रहे हैं। और राज भी हमारे नहीं जा रहे हमारे साथ बिकॉज उनका ना भी, उनका भी सीजन चल रहा है काम का, बहुत तगड़ा काम, मतलब एकदम खतरनाक छाप रहे हैं वो, लाखों में छाप रहे हैं, तो इसलिए हमारे साथ नहीं जा रहे वो। ऐसी ऐसी रोड है ना यहाँ पे, ऐसी ऐसी उल्टी जैसा हो रहा है, सांप बना रहे हैं सांप। अच्छा से आगे बैठ रहा था, पीछे बैठ के अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार ली हमारा भाई जैसा लेटा किसी ने ऊपर से पुंग कर दिया ना भाई, बेहोश भाई, ओ भाई काम हो गया इनका पता है। केदारनाथ का पहाड़ ये वाला, ये रास्ता है केदारनाथ का, बड़ा व्यू मैन। अभी इस फैमिली हमारे बस में से आधे लोग बाहर हैं बस के, बिकॉज वो अभी ड्रोन शॉट ले रहे हैं, तो ड्रोन हमारे ऊपर है। और मैम ना सो गया था, सोते होते ना मेरे ना सिर पे कुछ बजा, इतनी जोर, मेरे को लगा पहले सपना है, जब दर्द होने लगा ना तब तो लगा कि असली में भाई ये बजा मैं। भाई साहब क्या ठंडी ठंडी हवा चल रही है, इतना मजेदार वाला ठंड है ना ये, मतलब मजा आ गया यार। थोड़ी देर पहले तो बहुत गर्मी लग रही थी बस के अंदर भी, तो 3-3 हेलमेट यार। और यहाँ पे ना गुरास के फूल है, यहाँ पे ना उत्तराखंड में लोग इसको गुरास बोलते हैं और हमारे नेपाल में गुरास का फूल, उधर है गुरास के फूल, इधर आंटी बहुत सारे हैं। ऊपर से कौन सी बाइक आ रही है, बड़ी खतरनाक आ रही है आज। बुलेट बुलेट अपनी गाड़ी हो रही है यूज, पानी मार रहे हैं नहीं, ओ भाई मैं चेक कर रहा हूँ भाई, कुछ नॉट हुंदा पानी है भाई साहब। ओ भाई सुनोगे। सो फैमिली हम हो गए हैं रेडी, और हाँ फैमिली मैं आपको बताया नहीं था कि हम क्यों आए यहाँ पे, तो यहाँ पर हम आए हैं, कितना तेज आ रहा है ये, यहाँ पर हम आए हैं एक सॉन्ग शूट में, कैसा लग रहा है भाई? एक्टर जी इधर खड़े हैं गुस्से में, कितना प्यारा है विनोद यार, कितने प्यारे यार, यहाँ के डॉग 5% का भी शूट हो चुका है, लिटरली जो हम सोचते ना कि लाइक इजी है फर्स्ट टेक में, मतलब भाई साहब सिर्फ उतरने वाला टेक था, उतरने वाला,
उसमें नियर अबाउट हमें 45 मिनट्स लगे यार, इतने टेक पे टेक, इतने रीटेक। मेरा तो फर्स्ट टेक में हो रहा था, इन दोनों का हो रहा था गड़बड़। रोल चल पड़ा। सेकंड लोकेशन फाइनली है ना, सेकंड टेक, सेकंड लोकेशन। ऐसी जीत चाहे जिंदगी है। तन्नू, उसको बुला रहा हूँ। तन्नू, तन्नू इधर आओ। तुम तन्नू हो भाई? माँ कसम से ये कहाँ से आए भाई? ये कहाँ से आ? वो कुत्ते को ऊपर गिर गया। सो हेलो फैमिली, कैसे हो आप सब? आई हूँ सब अच्छे होने दिन। नहीं, और आपके सासु फैमिली रात को हम यहाँ पे स्टे कर रहे थे और आपको दिखाना भूल गए। ये देख लो थोड़ा सा रूम टूर। ये अपना बेड, ये छोटा बेड, उधर बाथरूम। लाइक यहाँ पे ना मतलब लाइट ही नहीं, ना वाइफ है, ना कुछ भी। फोन भी हमारे स्विच ऑफ हो गए थे, तो जैसे तैसे मैंने थोड़ा सा चार्ज कर लिया था, 50% हो गया। तो बाकी व्यू चेक करो इधर सुबह का, मस्त है यार। बाकी दूसरा रूम अपना इधर है, सब रेडी हो चुके हैं। और कल वाला आउटफिट हमने दोबारा पहन लिया क्योंकि आज के शूट के लिए। ठंड तो बहुत ज़्यादा ठंड है यार यहाँ पे तो यार। तो जो सामान लेकर आए थे हम रूम में, आज सब हम रख रहे हैं वापस ट्रैवलर पे। हो गया मैडम खत्म, स्टार्ट एंड एक्शन। और हम अभी आए हैं ब्रेकफास्ट करने, तो ब्रेकफास्ट खा रहे हैं आलू के पराठे और अनु खा रही है मैगी। अकेले अकेले मैगी खा रही है, मेरे को मैगी खाने, बट मैगी खा के कुछ नहीं हुआ क्योंकि हमने आज काम करना है, तो एनर्जी के लिए पराठे खाने जरूरी है। और शायद कुछ नहीं है अभी ठंड, एक तो ठंड होती है बहुत ज्यादा ठंड, एक होती है फाड़ फाड़ वाली ठंड यहाँ पे हो रही है अभी। तो अभी ऊपर जाएंगे, शूट करेंगे, अनु और आंटी शायद आज रास्ते आएंगे, थोड़े कम ऊपर तक जाएंगे, बाकी हम ज्यादा ऊपर जाएंगे, बाकी शूट करेंगे। ज्यादा पड़ी पूरा ऊपर। वो सो मैगी कौन खाता है यार? तुमने मेरे से खाई है ना? हां अच्छा लग रहा है यार, मत खाओ, क्यों खा रहे हो? सो फैमिली यार एक प्रॉब्लम हो गई यार, लाइक अपन को शूट करना था ऊपर जाके तूना टेम्पल, हमें परमिशन नहीं मिली और परमिशन के लिए नियर अबाउट 1,00,000 मांग रहे हैं। तो अभी देख रहे हैं, थोड़ा बहुत बात कर रहे हैं, लेट्स सी अभी होता है कि नहीं। सुबह के 4 बजे उठ रखे हैं, 4 बजे, और अब बज रहे हैं 11 और हमारे बज गए 12। अरे यार देखो विनोद भाई व्लॉग बनाओ। साहिल कैसा है? साहिल ये चोर साले, मुंह तो धो लेता। तूने धोया? अगला भाई नहाता होगा सीधा। यहाँ पे हम बैठे हैं एकदम बेलड़ बंदे, काम करने आए थे बट हम यहाँ पे अभी साबित हो रहे हैं कि हम बेलड़ हैं। बैस्केट हमारे साथ क्यों होता है? और जब भी कुछ करने का सोचते, कुछ करना होता है, मतलब कुछ ना कुछ अड़चनाएं आती रहती हैं। क्या बोल रही थी? हम ये बोल रहे हैं कि कुछ लोग होते हैं जिम जाते हैं, कुछ भी हो जाए उनकी लाइफ में, तो जिम जाने से सब कुछ ठीक हो जाता है, जिम गए सारे इमोशंस बाहर आ गए, क्या होता है कुछ बहुत सारे फिजिक भी दिखाते ब्रेक अप के बाद। पता नहीं, मैं तो गया नहीं जिम। सो फैमिली गुड न्यूज़ ये है कि हमें परमिशन मिल चुकी है शूटिंग के लिए, तब हम जा रहे हैं। पूरे 7 घंटे लेट हैं बट कोई बात नहीं, हमें कल भी रुकना पड़ेगा। कोई मंत्री काम नहीं आया, कोई मंत्री काम नहीं आया भाई, बात तो करने। सिर्फ और सिर्फ विनोद ने नंबर निकलवा दिया, वो एक बड़ी बात है, और दूसरा ये कि किसी ने बात नहीं कर पाया, मैंने बात करी बस। चलो भागो, अब चढ़ रहे हैं। अब जस्ट मैं समोसे खा रहे हैं, तो थोड़ा यहाँ पे आप आलू दिख सकता है मुँह में। मंच खाते हुए चढ़ रहे हैं, बैग बड़ा भारी है, सांसें फूल रही हैं। 2 घंटा तो चलना ही पड़ेगा टुलैसी, अब कैसे रहती है हमारी जर्नी। चलो चलिए बोलो भाई, हम कमजोर हो गए क्या यार? चले सांसें कितनी फूल रही हैं। कौन कहता है चॉकलेट खा के एनर्जी आती है? 2 मंच खत्म कर दिए, थके पे थका जा रहा हूँ भाई। चढ़ा भी कैसी सीधी, वो थके हुए इंसान थक गई। तुम्हारे पास तो कुछ सामान भी नहीं है, ऊपर से डंडा भी है। रुको, यहाँ पे लग रहा है चैलेंज, ये भैया अपने लोकल हैं और ये भी अपना ऋषिकेश का ही चढ़ाई चढ़ता रहता है। भैया चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया फिर? मैं तो नहीं वही बंदे के साथ, 1 घंटे में बताओ, 1 घंटे में 100%। चलो क्या चीज़ का चैलेंज? चलो 1000 पक्का कन्फर्म। चलो ठीक ये ले, हार मान गया। हम हो गए हैं रेडी एकदम, कपड़े पहन के। हमारा आउटफिट ये है, रही नज़ारा व्यू ही वो तैड़ फैड़ एकदम खतरनाक। यहाँ पे भाई साहब हमारे कॉन्सर्ट में ना एक बाबा जी का रोल था, तो हम कब से ना बाबा ढूंढ रहे थे किसको बनाए किसको बनाए। बाबा जी साथ साथ हमारे लिए, तुम्हारे पास बाबा जी साथ हमारे लिए चल कर आए। बाबा जी क्या चाहिए आपको? बाबा जी आशीर्वाद दो। काम
एकदम मजे में ना बाबा जी, कुछ चल के आगे बाबा जी की ख्वाहिश पूरी कर नहीं सकते हम। तो फैमिली मेरे को यहाँ पे एक चीज पता लगी, देखो लाइक हम जब हम लगा गए थे लास्ट टाइम, चुप करना यार 2 मिनट। लाइक यहाँ पे नीचे जाओ, ये स्कैनर देखो और 10 रुपए तुम्हें मिल जाएंगे, जो 30 की पड़ी वो 20 की पड़ जाएगी तुम्हें। ये सिस्टम सही है ताकि इससे ना मतलब लोग यहाँ पे गंद भी नहीं फैलाएंगे, बोतल फेंकेंगे भी नहीं, और सही है मतलब यही होगा कारण। ये कब से ना अपनी पेंट दिखाई जा रहा है, ये माम माना भी 600 की ली, 700 की सिलाई, हम कुछ भी कर रहे, कहते सारे रुको पेंट चेक कर। देखो पेंट की बातें करी जा रही, तू पेंट नहीं क्या? ये तो झूठ बोला यार, मतलब थकान तो लग रहा है, पर खुशी इसलिए हो रही है क्योंकि हम क्यों पहले हम शूट कर रहे हैं इसी जगह, वो 10 बार ऊपर नीचे चलना क्योंकि टेक आए ना आए, 50 बार चलना ऊपर नीचे, तो वो चीज बहुत। तनु का आउटफिट चेक करो यार, बाल चेक करो, मेरा आउटफिट चेक कराना एक बारी फैमिली। ये है मेरा आउटफिट, बर्फ दिखना स्टार्ट हो गया यहाँ पे। बहकी सभी जुबा है, हम हैं हजारों में, अब की कमी जरा है, हर चीज खास है, अब है जो है वो समा। भाई साहब मजाक नहीं कर रहे, तो भगवान जी के मंदिर गए, बोलना नहीं चाहिए बट यार थक गए। बर्फ ही बर्फ, इतना अच्छा लग रहा है ना, लाइक जब मैं फॉर द फर्स्ट टाइम मैंने बर्फ देखा था ना, मैं इतना खुश था, लाइक उस दिन मैं सबसे ज्यादा खुश था। हाँ सेकंड टाइम देख रहा हूँ, मजा पूरा उतना ही आ रहा है, लेकिन मैं इजहार नहीं कर पा रहा। देखो ऐसे जा रहे सब, पर एक्साइटमेंट पूरी पूरी है कि शूटिंग जल्दी से कंप्लीट करें, अच्छे से दर्शन करें, अच्छा लग रहा है। जब मैं पहाड़ में आता हूँ मेरे होंठ फट जाते हैं, और तो मेरा फोन ऑलमोस्ट स्विच ऑफ हो गया, 1% शायद है अभी। बट हमारे दर्शन नहीं हो क्योंकि पूरा बंद कर रखा है उन्होंने नीचे से ही। सोचा था कि हम दर्शन करेंगे फॉर द फर्स्ट टाइम ऐसी जगह पे आए थे और आपको दर्शन करवाएंगे सोचा था, बट ऐसा नहीं हुआ। बट कोई बात नहीं, ज्यादा ठंड है यहाँ पे, बहुत ज्यादा ठंड, और ये चीज चीखी जा रही है, इसको देख लो पहले। चलो भाई गाइस, इतनी ठंड हो रही है ना, -2 डिग्री में शूट करने, मेरा हाथ देखो और ये हमारा स्ट्रगल है। फैमिली हमारा कालू है, शूट में भी इसने हेल्प करी यार, लाइक हमारे साथ चला भी और साइड में बैठा भी, बड़ी जोर की गिरा यार, खून निकल रहा है, टूटा हुआ पैर और टूट गया, और भाई भी अभी जस्ट गिरा है। कालू रुक। सो फैमिली हम आए हैं अब खाना खाने, लाइक मैं पूरा एग्जॉस्ट हो चुका हूँ, लाइक बिल्कुल जान ही बची है, जाके सोएंगे अच्छे से, बाकी नींद बहुत अच्छी आएगी।